हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय जय श्री ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। भगवान की कृपा से हम लोग सब कोई ठीक ठाक हैं। तो आज है होली और जितने भी भाई बहन दोस्त होली मनाते हैं, नहीं भी मनाते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा होली का शुभकामनाएँ। तो हम लोग तो मनाते नहीं हैं, लेकिन होली का नाम से आज बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगे हम। और आज का दिन देख सकते हैं, बहुत ही सुहाना है। यहाँ पर देख सकते हैं ज़मीन भीगा भीगा दिख रहा है। तो आज ना सुबह सुबह झिमकाया था, बारिश आया था हल्का हल्का, अभी तो नहीं आया है, लेकिन मौसम वैसे ही किया है बारिश बारिश जैसा। तो आज हम सोच रहे हैं बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगे और अनुज के पापा के ऊपर प्रैंक करेंगे दवाई के लिए। तो दोस्तों, उसके लिए हमको चाहिए ढेर सा नीम का पत्ता। तो अभी हम जा रहे हैं नीम का पत्ता लाने के लिए। है कि नहीं है, सूख गया, सूख गया रे, किसके लिए? है है, किसके लिए लाए? तो क्या करने वाले हैं हम आज, फर्स्ट बार करेंगे, मेरे ऊपर पहले तो किए नहीं है कभी ऐसा प्रैंक। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जरूर। आओ अस्मिता, तेरे ऊपर नहीं, इधर आओ, बताना नहीं, जान गई, इधर आओ। तो इसको हम बोल देते हैं नहीं बताने के लिए, नहीं बताना ना, तेरे और मेरे बीच सीक्रेट रहेगा, नहीं बताएगी, अनुज को भी नहीं बताएगी। हाँ, कुछ भी नहीं बोलेगी। हाँ। इसका मुंह में कुछ पछता नहीं है, बता देती है खेलते खेलते। प्रामीश, नहीं बताएगी ना, चुपचाप रहेगी, हंसेगी उसेगी भी नहीं। तो नीम का पत्ता लेके जाते हैं, थोड़ा सा में तो हो जाएगा। अस्मिता बताओ बताओ कर रही है। तो हम लोग इतना सा नीम का पत्ता तोड़ लिए हैं, इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा कड़वा लगेगा। एक पत्ता ही तो बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है, एक ठो तो इतना सारा तो बहुत ज़्यादा है। अस्मिता बोल रही है बताओ बताओ, किसी को नहीं बताएंगे कह के बोल रही है। हाँ, तुम खाने सकेगी? नहीं। तो बता दे, नहीं ना बताइए। तो नीम का पत्ता और पालक का साग हम लोग खाएंगे, पालक पूड़ी, और पापा को खिलाएंगे नीम पूड़ी। नीम पूड़ी, तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, पालक को हम चढ़ा दे रहे हैं भापने के लिए। इसमें पानी एकदम छुट्टू सा डाले हैं और इधर चढ़ा दिए हैं खीर, आज खीर बना रहे हैं। तो दोस्तों, पालक ठंडा हो गया है, बढ़िया से पक गया है, देख सकते हैं। तो इसमें हम डाल रहे हैं नीम पत्ती। और थोड़ा सा पालक। तो दोस्तों, हम बढ़िया से नीम का पत्ता और पालक को पीस के आ गए हैं बाहर, बाहर में गूँथेंगे, क्योंकि अंदर में हम कुछ बोलेंगे ना तो सुन लेंगे और जान जाएंगे, इसलिए हमको बाहर आना पड़ा। तो इसमें जैसे हम पूड़ी बनाते हैं ना, वैसे ही बना रहे हैं, नमक डाले हैं, तेल डाले हैं मोयन के लिए। तो अनुज के पापा के लिए वाला गूँथेंगे हम, ज़्यादा रोटी नहीं बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कड़वा लगेगा तो फेंक देंगे, इसलिए हम थोड़ा ही सा गूँथ रहे हैं। और इधर सादा वाला, बिना कड़वा वाला, और इसमें है पालक, ये भी बढ़िया से पीस लिए हैं, इसको भी देख सकते हैं। तो चलिए गूँथ के रेडी करते हैं। तो दोस्तों, इसको हम डाल के इसी से पहले गूँथेंगे, पानी लगेगा तो पानी डालेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं डालेंगे। इतना कड़वा मुंह में जाएगा तो क्या रिएक्शन होगा, फेंकेगा या फिर डांटेगा। इधर हम सादा रोटी बना के रेडी कर लिए हैं, अभी हमको बनाना है नीम वाला रोटी। और नीम वाला रोटी खाने से कोई नुकसान नहीं है, इसलिए हम बना रहे हैं। तो ये गया तेल में पहला नीम रोटी।
तो नीम वाला पूड़ी एकदम मस्त बन गया है, देख सकते हैं। तो इसको हमको रखना है स्पेशल थाली में अलग से। तो दोस्तों खाने का भी टाइम हो गया है और सब कुछ रेडी हो गया है। तो आज का होली स्पेशल हम बनाए हैं, यहाँ पर अंडा करी है, अंडा और आलू का झोर, खीर और पूड़ी, प्याज और पापड़। तो ये है आज का होली स्पेशल हम लोग का। तो तीन रोटी दिए हैं, पूड़ी तीनों कड़वा वाला है। तो चलिए देते हैं फटाफट। होली में नहीं अभी थोड़ा देर मेरे पास नोट है इसीलिए। तुमने खाई है जो जो वाले स्पेशल में पूड़ी बनाए हैं तो का बताएगी, पालक पूड़ी है। ठीक नहीं अस्मिता, हमको क्या पता तेरा कड़वा नहीं है? नहीं है, हमको तो कड़वा लग रहा है मेरा अभी। दम है खाने का, खा के देखो दम है तो। खा लेना अपना, तुम अपना खा लो। चूहा डालिए का, चूहा डालिए, मक्का डालिए, लो पालक, पालक डाले नहीं देखा पालक? हाँ तो मेरा उसमें नहीं है, खा के खा दो। हम खा दो, मेरा ये वाला को खा के खा ना, वो वाला को हम कह रहे हैं तुम जो खा किया थोड़े दिन खा किया, खा 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 तुम खाना मेरा ये तो। नीम हिलाया है, कहाँ से लाए? हम लोग स्कैन कर रहे थे, कहाँ से लाए? तुम लोग का पता बगार बगार से
अच्छा लगता है रोटी रचा इसलिए पापा को अलग से रखा था रोटी अच्छा लगा। तो दोस्तों अनुज के पापा एकदम गुस्सा हो के खा ही लिए तीनों पूरी, तीन ठो बना था कड़वा वाला पूरी। हम लोग सोचे थे कि कड़वा लगेगा तो छोड़ देंगे, लेकिन छोड़े नहीं, तीनों को खा गए। बाद में बोल रहे कि अगर पता होता ना तो हम छूते ही नहीं खाते। तो तीन ठो ही तो बनाए थे उसके लिए, सोचे थे नहीं खाएगा लेकिन खा गए। और बाद खाने में को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ वेस्ट नहीं करना चाहिए इसीलिए खा गए। हाँ कुत्ता भी नहीं खाता, इतना कड़वा था रोटी तो ना। क्या बोल रहे थे, ये हम लोग का आज का फर्स्ट प्रैंक वीडियो था, इससे पहले हम कभी किए नहीं थे। नहीं नहीं करो तो बहुत ही जोर से गुस्सा हुए, अभी भी मुंह फुलाए गुस्सा से ना अस्मिता। हम लोग, हमको और अस्मिता को केवल पता था, अनुज को भी पता नहीं था। अनुज भी कड़वा रोटी खाया तो अनुज भी खा गया, लेकिन तो चलिए वीडियो को आज यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो अस्मिता सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बाय।